हेलो फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके वंदना के ब्लॉग्स पे। तो फैमिली, आप सब कैसे हैं? सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ फैमिली आप सब जहाँ होंगे मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी मौसम ख़राब है दिल्ली में, बादल अभी भी छाए हुए हैं, काफ़ी ठंडा मौसम है। तो ऋषभ सुनाची अभी सो रहे हैं, उनको मना कर दिया कि अभी ना उठे वो लोग, जितने लेट उठेंगे उतने ही सही रहेगा। तो फैमिली, मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी सही हो गया। अब मेरा ब्लॉग जो है हमेशा आएगा, कभी कभार बीच में ना आ सके किसी कारण से, लेकिन मेरा ब्लॉग डेली आएगा। तो फैमिली, हमारे चैनल पे जो प्रॉब्लम चल रहा था, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत दुआ से आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जल्द से जल्द मेरा वो सॉल्यूशन जो था वो ठीक हो गया। और मैं आप लोगों का फिर से एक बार दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम था चैनल पे वो सब ठीक हो गया है। मैं काफ़ी नाराज़ था, काफ़ी उदास था कि अब मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगा, काफ़ी दिक्कत चल रही थी, मुझे नहीं लग रहा था ठीक हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे बर्थडे पे विश किया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर पर विश किया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फैमिली, मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं चल रहा हूँ ड्यूटी की ओर। और दिल्ली में ऐसे इतनी बीमारी फैल गई है कि काम दाम एकदम डाउन हो गया है। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए अभी तक सजा हुआ है, क्रिसमस खत्म हो गया लेकिन अभी तक सजा हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए मिलेंगे शाम को, जुड़े रहिए गम से। A few moments later. तो फैमिली, मैं घर के अंदर एंटर हो गया हूँ। घर पे पहुंचने का अल ही मजा होता है, अलग ही सुकून होता है। घर के अंदर सुकून होता है, बाहर थोड़ी होता है। वंदना जी कह रहे हैं घर में सुकून होता है, बाहर थोड़ी होता है। यहाँ पे देखिए पैर के पास हीटर लगा के बैठे हुए हैं। हीटर नहीं, हीटर ठंडी लग रही थी ना। आज सुबह से बारिश हो रही है, झिम 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 झिम। तो देखिए ऋषभ के लिए मैं क्या क्या लाया हूँ। और ये सोनाक्षी के लिए है ये जूस, इसकी फरमाइश थी पापा ले आओ लो। लेकिन जूस मना है, ये वाला जूस मना नहीं। और ये पपाया है ऋषभ के लिए, ऑरेंज एप्पल है ढेर सारा, ऑरेंज नहीं मिला। अरे इनको तो कोरोना ही घुस गया है, जब देखो तब कोरोना। और ये मेरी दवाई है गाइस, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। बीमार क्या चल रहे हो? अरे तो चलिए हाथ मुंह धुल लेता हूँ, सबसे पहले यही जरूरी, हाथ मुंह धुल लूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग, जुड़े रहिए। तो सब थैंक यू सो मच, मेरे पति देव के बर्थडे में इतने सारे आप लोग विश किए, बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। और ऐसे प्यार बनाए रखना और अपना दोस्त यार फैमिली बनाकर ही रखना। तो सो गाइस, ये पतिदेव खाना खा रहे हैं, वो अभी ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे क्योंकि अभी वो मतलब रात को इसमें 10:30 बज रहा है, 10:30 या 10 बज रहा होगा क्योंकि वही 10:15 बजे आए हैं। तो जब मैं सब्जी पहले ही बना के रख ली थी, देख सकते हैं यहाँ सोयाबीन की सब्जी बनाई हूँ। बच्चे, मैं गोभी का सब्जी बनाने जा रही थी लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने सोयाबीन का बनाया सब्जी क्योंकि बच्चे जो खाते हैं वही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे का इतना बड़ा डिमांड हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। दोपहर में पराठा के लिए बोल रही थी तो मैंने पराठा बनाया था इन लोग के लिए प्याज का, वो तो मेरे ब्लॉग में आएगा प्याज का पराठा वाला। और अभी मैं सोयाबीन की सब्जी बनाई हूँ और हस्बैंड के लिए सादा पराठा, और सोनाची की रोटी बना रही हूँ, मेरी सभी रोटी खाएगा। तो ठंडी में खाना पहले से इसलिए नहीं बना कर रखते हैं क्योंकि बना के रख दो ठंडा भी हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और क्या बोलते हैं, और पहले से बना लो, आ जाएंगे फिर गरम करो, वही टाइम लग जाता है। इससे अच्छा जब आते हैं तभी हम गरम गरम बनाते हैं, चाहे 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए। रोटी तो मैं घर में ही सेक के खाती हूँ, और एक आध दो रोटी ज्यादा खाया जाता है। तो ये पतिदेव का चैनल पे मैं ही स्टार्टिंग की हूँ ब्लॉग। और जा दिखा दो, पापा खाना खा रहे हैं। मैं खा देती हूँ सबको, पापा यहाँ पे खाना खा रहे हैं, देखिए यहाँ पे उधर मोबाइल चला रहा है। तो जड़े जी ने सोयाबीन और मटर की सब्जी बनाई, वाह लाजवाब, मजा आ गया, वो तो अच्छा ही लगता है मम्मी के हाथ का। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, आगे देखते क्या होता है। तो यहाँ पे फैमिली, वंदना जी ने सबको खाना उना खिला दिया, उसके बाद लग गई हैं अपना कढ़ाई बुनाई में, इसको तुरपाई कर, तुरपाई बोलते हैं ना जी, तो अपनी साड़ी। हम मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा दिल जान रहा है, आधी रात को हम सुई धसा रहे हैं, आप ही का पैसा बचा रहे हैं।
मानना पड़ेगा वंदना जी काफी मेहनत करती हैं। मैं सोचता था मैं ही मेहनत करता हूँ, लेकिन वंदना जी सही में यार बच्चे को संभालती हैं, खाना बनाई, फिर उसके बाद साड़ी में फॉल लगा रही हैं। ये होती है असल जिंदगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है आज, लेकिन क्या करें, जहाँ मुझे देखिए मैं खर्चा करती हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि अब यहाँ ये चीज हमारे बस के तो हम कर सकते हैं बाबू नहीं। अब बच्चे देखो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि मम्मी कितना काम कर रही है। मम्मी नाची बोले हमको सिखा दो, जब सीखना होगा तो नहीं सीखेंगे, अभी कह रहे हैं सिखा दो। हम ऐसे औरत थे, मैं एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी औरत, देखो एक समय लड़की थी, एक समय ऐसी औरत थी, ऐसी ऐसी बीबी थी, ऐसी माँ हूँ, मतलब कि ये सब चीजें मुझे, मतलब कि फाल वगैरह लगाना ना, ये क्या फाल वगैरह होता है, मैं पैसे देकर लगाती थी। लेकिन आज मुझे अपना अवकाश समझ में आ गया कि हाँ, कि हम जो फालतू 100 रुपए बाहर देते हैं, गांव में फिर भी तो सही है, 40 रुपए हम लोग लगा देते हैं, 50 रुपया लेते हैं, यहाँ तो सीधे भैया 100 रुपया, 100 रुपया लेके बात मत करो। तो ये शहर है जी, गांव में सस्ता सामान मिल जाएगा। अरे शहर है तो क्या फलवे फीको में लूटना है क्या किसी को? एक तो ब्लाउज का चार्ज इतना महंगा रहता है, ऊपर से फलवे फीको। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा भी लगाएंगे ना, 10 रुपए थोड़ा सा सिलाई पेंट खुल गया, 10 रुपए लेंगे, 20 रुपए नीचे से बात नहीं करेंगे। अच्छा 20 रुपए लेते हैं, अब 20 रुपए लेते हैं, हम वही सोच रहे हैं कि सिलाई मशीन ले लेते हैं, बहुत मेरा पैसा बचेगा वो, क्योंकि हमारा कपड़ा वाला लाते हैं थोड़ा सा ना सिलाई वाई करके पहनो तो सही रहता है, बच्चों का हो गया। तो यही है कि एक समय था कि मैं बाहर देख कर करवाती थी, लेकिन आज मैं देखो खुद ही ये काम कर रही हूँ। चश्मा लगा लो अपना। चश्मा कहाँ मेरे को लगा है? चश्मा जो ली थी कहाँ, भूल गई क्या? चश्मा दुआ रहा तू भूल गई क्या? चश्मा कह रही कहाँ, यादाश्त कमजोर हो गया क्या तुम्हारा? कौन चश्मा? जो बनवाई थी चश्मा, कौने जमाने थे बताओ? जो ऋषभ पैदा नहीं हुआ था, ऐसी बात बोल रहे, ऋषभ पैदा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, ऋषभ पैदा हुआ था तब तक लगाती थी चश्मा। ये हमारी YouTube की फैमिली ना देख पाएगी, वंदना जी चश्मा लगाती, इसलिए नहीं फैमिली लगाती है, लगाती लगाती नहीं। जब पहले एक बार समय, मतलब कि 2016 में मेरा मतलब सर इतना दर्द हो रहा था, मुझे दिखाई कर सब देता है और सब, लेकिन सर दर्द केवल होता है दिखाई देता है, हम कहाँ कह रहे नहीं दिखाई देता नहीं, जैसे कि पहले क्या, जब 2016 की बात कर रहे हैं, जब मेरे चश्मा लगा था ना, तो मेरे को क्या होता था, जैसे लग रहा है कि ना, मतलब कि हम हमेशा घूम रहे हैं, मेरे सर भारी भारी, और मुझे जैसे कि हमेशा जैसे घर हिल रहा है, मैं हिल रहा, मुझे ये फील हो रहा था। फिर मैं जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोले कि थोड़ा सा मतलब कि सर में कमजोरी है, तो फिर लगा था एक आके महीना लगाए थे, फिर सोनाची गिरा दी टूट गया, फिर मैंने कभी नहीं लगाया। एक आध बार बनाई थी, एक बार और बनवाए थे, पता नहीं क्या हो गया, फिर मैंने कभी चश्मा लगाया ही नहीं। नहीं एक बार टूट गया चश्मा, क्या हुआ वो टूट फूट गया, फेंकाएगा की सामान की इज्जत नहीं करती हो। बाहर सामान ले लो, कोई अगर पैसा मांग ले तो बोलो मुझसे, इतना तो क्रेडिट बनाए हैं बाहर यहाँ से वहां तक, बात छोड़ो क्यों, इसी को इज्जत बोलते हैं, और किसको इज्जत बोलते हैं? इज्जत बोलते हैं पैसा बजाने का। जब आपकी इज्जत होगी तभी आप बाहर जाओगे, कुछ भी ले सकती हो बिना पैसे के। हम तो बिना पैसे चले गए थे चिकन लेने पापा से पेटीएम कटवाई थी। यहाँ से वहां तक बात व्यवहार है, लोग जानते पहचानते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वंदना जी सुबह 11 बजे रात को फाल लगा रहे हैं सड़िया में, और ये बच्चे भी नहीं सोते, इनको बहुत डांटना पड़ता फिर भी जागते रहते, कहते नींद ही नहीं आता है, मम्मी के साथ सोते हैं, और हम लोग गांव में जाते हैं 10 बजे ही नींद आ जाने लगता है वहाँ पे, पता नहीं क्यों कटारा में इतना जल्दी नींद आ जाती है, थकते हैं वहाँ पे सब। तो चलिए फैमिली जुड़े रहिए, अब सुबह मिलेंगे हम आप लोगों से, तब तक करते हैं गुड नाइट, तब तक आप लोग आराम कर, ये वंदना जी का तामझाम चलता रहेगा, मुझे देखो आप शॉपिंग गई कुछ समरिया दिखा दो, क्या कहा रखा तो इतना सामान देखिए, सब गाज रखी है, ये गांव जाने की तैयारी बताइए। तो फैमिली बच गया रात के 11:15 और हम लोगों ने दवा खा लिया, खाना खा लिया, उसके बाद हम लोग सोने जा रहे। तो यहाँ पे देखिए हम पूरी फैमिली जो है दूध पी रही है, वंदना जी भी पी रही है,
ऋषभ अपना देखिए सीसी में पी रहा है, सोनाक्षी अपना कप में पी रही है, और हम देखिए यहाँ पे ग्लास में पी रहे हैं। और हमारे बिना चीनी डाल दिए, चीनी इसके अंदर पड़ा हुआ है, मीठा बना दिए थे, चीनी डाले हैं तो चलाने भी नहीं दिए, तुरंत पी गई घंटे से, तो चीनी गलेगा थोड़ी, गर्म ठंडा भी हो गया था ना जल्दी। दूध से थोड़ा पौष्टिक मिलता है, तो ठंडी का टाइम है, गर्मा गर्म दूध पौष्टिक अच्छा लगता है। तो हमारी पूरी फैमिली दूध पी रही है, वंदना किट्टो उधर पी रहे हैं, वंदना किट्टो वहाँ पी रहे हैं, वंदना किट्टो उधर दूध पी रहे हैं, हम लोग इधर पी रहे हैं अपने कमरे में, वंदना किट्टो उधर दूध पी रहे हैं मतलब, अरे वंदना किट्टो अमित और किट्टो हम वंदना और किट्टो बोल रहे हैं। चलिए मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। ये सब क्या कह रहे हो? पट्टी लपेटी है, क्या लपेटी?